अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चौधरी ऑटो ट्रेडर रिंग रोड। आज जिस पार्ट के हवाले से हम आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे वो है ब्रेक पैड। ब्रेक पैड एक ऐसा आइटम है जो कि हम जिसको काफ़ी कस्टमर हमारे पास आते हैं तो वो हमें ये कहते हैं कि इतने महंगे ब्रेक पैड, और ब्रेक पैड भी कोई आइटम है चेंज करने का। काफ़ी कस्टमर को पता ही नहीं होता कि ब्रेक पैड चेंज भी करने हैं, यानी बस वो गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चल रही है, बस ब्रेक लग रही है तो वो समझते हैं कि बस ब्रेक ठीक है बस। तो जब खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है या कोई मसला गाड़ी में आ जाता है, कोई ब्रेक की आवाज़ आ जाती है या कोई गाड़ी में कोई आवाज़ आती है या कोई स्किड कर जाती है या कोई और मसला आता है, तो तब गाड़ी को चेकअप कराते हैं तो पता चलता है कि ब्रेक पैड ख़त्म है। ब्रेक पैड ख़राब होने के साथ साथ वो फिर काफ़ी अंदर बहुत सारे आइटम हैं जिसको वो नुकसान पहुँचा देता है, जैसा कि ड्रम है। सबसे पहले तो ड्रम को ख़राब कर देता है। ड्रम एक ऐसा आइटम है जो कि फिर बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। समटाइम वो पॉलिश करने से भी वो ब्रेक ड्रम जो होता है वो मतलब अपनी कंडीशन में वापस नहीं आता जिस पे वो होता है, तो एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा नुकसान। और सबसे पहली बात तो यही है कि लाइफ के साथ जो है आप अपने धोखा आप खुद ही साथ खेल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ। अगर आप ब्रेक पैड को चेंज नहीं करेंगे टाइम पर तो खुदा ना खास्ता मतलब आप अपनी लाइफ के साथ जो है रिस्क है आपका, आपकी ज़िंदगी मौत का एक किस्म का ही सवाल है। तो हमारी सबसे पहले रिकमेंडेशन ये होती है और हम कस्टमर को हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि हमेशा जेन्युइन ब्रेक पैड इस्तेमाल करें, चाहे वो टोयोटा गाड़ी है, होंडा गाड़ी, सुजुकी गाड़ी है। हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि ब्रेक पैड जो है आपने जेन्युइन डाली है। लेकिन हमारे पास के बाद डिफरेंट क्वालिटीज़ भी होती हैं, जब कस्टमर हमें कहते हैं कि नहीं हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते या ऐसी वैसी कोई बात, तो वो फिर उनको हम जो है वो फिर जैपनीज़ की तरफ रिकमेंड करते हैं कि जैपनीज़ वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम आपको बताएंगे वो है जेन्युइन ब्रेक पैड के हवाले से। जो नॉन जेन्युइन है जापान के हैं वो मुख्तलिफ उसमें कंपनी आ जाती हैं, वो फिर आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं डिटेल में बताऊँगा कि अगर आप जेन्युइन अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके बाद आपको कौन से जो है सेकंड नंबर पे जो हम रिकमेंड करते हैं वो कौन सी कंपनी है, थर्ड नंबर पे कौन सी कंपनी है, फिर वो कस्टमर की अपनी चॉइस है कि वो अपने आपको अपनी पॉकेट को देखते हुए उसके हिसाब से वो जो से भी यूज़ करना चाहे। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो करोला गाड़ी के हैं जेन्युइन ब्रेक पैड। ये इस वक्त जो आपके सामने है ये है टोयोटा करोला के जेन्युइन ब्रेक पैड। ये हमारी जो टोयोटा करोला स्टार्ट हो रही है 2009 से 2009 मॉडल ऑनवर्ड 2022 मॉडल 2022 मॉडल तक जितनी भी हमारे इस वक्त जो बल्कि 23 मॉडल 2023 तक जितनी भी टोयोटा गाड़ी आ रही है उन सब में ब्रेक पैड जो है वो ये वाले हैं और ये जेन्युइन ब्रेक पैड्स हैं। ये मैं आपको इसको पहले तो बाहर से भी आपको इसमें काफ़ी इसमें कॉपीज़ वगैरह भी आ चुकी हैं, सेम इसी पैकिंग में, सेम इसी लेबल वगैरह तमाम इसी तरह ही हैं, लेकिन वो कॉपी हैं। तो इसलिए हम हमेशा अपने कस्टमर को यही रिकमेंड करते हैं कि वो अथोराइज डीलर से ही हमेशा सामान परचेज़ करें ताकि किसी किस्म का धोखा वगैरह या फ्रॉड वगैरह ना हो सके। तो ये मैं आपको अभी पहले तो ये बाहर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाले जो हैं ये फ्रंट ब्रेक पैड हैं 2009 से लेके 2023 तक ये वाले फ्रंट ब्रेक पैड हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अगर ये मैं आपको थोड़ा करीब से बताऊं तो ये इस तरीके से इनका इस पर लेबल वगैरह ऐसी होती है, इस तरह ये सारा जो एरिया है ना ये तमाम ये इसका ये जो इस्तेमाल होता है ना ये सारा मटेरियल है यहाँ से लेके नीचे एंड तक। तो ये आपने कोशिश ये करनी होती है कि ये ऐसे आपको दिखाऊं ना, तो ये आपने इस प्लेट तक आने से पहले आपने इसको चेंज कर रहे हैं। नॉर्मली इसकी जो लाइफ है वो 40,000 किलोमीटर 40-50, लेकिन डिपेंड करेगा आपकी इस्तेमाल पर। ब्रेक पैड हमेशा कस्टमर हमें काफ़ी कहते हैं कि इसकी लाइफ कितनी है, तो वो लाइफ कभी भी ऐसे एग्जैक्ट नहीं बताई जा सकती क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके इस्तेमाल पर। लॉन्ग रूट पर रफ़ इस्तेमाल आपका ज़्यादा होगा, गाड़ी में मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राइवर अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो उतना ही जल्दी जो है वो ख़त्म होगा।
और नॉर्मल यूज़ हो तो वो तकरीबन 50,000 60, बहुत अच्छा जो है वन ड्रिवन सिंगल हेड ड्रिवन जो होती हैं वो 60,000 किलोमीटर तक भी चला लेते हैं नॉर्मली। वैसे ये 50,000 किलोमीटर इनकी माइलेज होती है। इनकी जो खसूसियत होती है वो ये होती है जेन्युइन की, कि ये इसमें जो ये देखें आप चेक करें तो जो इस्तेमाल किया गया है ना ये कॉपर वगैरह, ये आपकी गाड़ी की जो ड्रम है उसको ख़राब नहीं करता, ड्रम को डैमेज नहीं करता। ये वक्त इस्तेमाल के साथ साथ ये खुद ख़त्म होता जाता है और आपकी गाड़ी के ड्रम को ये ख़राब नहीं करता। इसके मुकाबले में अगर आप चाइना के ले लें या और किसी क्वालिटी के, तो वो ये मटेरियल जो होता है थोड़ा हार्ड होता है। ये ब्रेक जब आप अप्लाई करते हैं तो ये मटेरियल इस्तेमाल कम होता है और ड्रम को ज़्यादा ख़राब करता है। तो वो कुछ शुरू में तो आपको काम देगा लेकिन 10-15,000 किलोमीटर चलने के बाद वो आपके ड्रम को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। तो ये थोड़ी सी एक इसमें डिफरेंस होता है, तो इसलिए हम हमेशा रिकमेंड ये करते हैं कि जेन्युइन ब्रेक पैड आप इस्तेमाल करें। अच्छा, यूजुअली जो इसका ये है ना, ये जो लाइन बनी है ना इसकी यहाँ तक निशान जो ये या जब यहाँ तक पहुँचे तो आपने इसको चेंज कर देना है। तो आप मतलब 30,000-40,000 के बाद आपने कोशिश करनी होती है कि आप अगर चेंज ना भी करें तो खाली चेकअप करा लें, ताकि आपको पता हो कि मेरी गाड़ी के जो ब्रेक पैड्स हैं वो किस पोजीशन में हैं। नॉर्मली ये फ्रंट ब्रेक पैड पर जो है वो जोर काफ़ी ज़्यादा होता है, फ्रंट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये बैक वाले जो हैं इनका इस्तेमाल थोड़ा सा कम रहता है। अगर ये आप दो दफ़ा यूज चेंज करेंगे तो ये आप एक दफ़ा आपका बदलेगा, कितना फ़र्क होता है वैसे नॉर्मली। ये दो दफ़ा अगर आप चेंज करेंगे तो ये एक दफ़ा चेंज होगा, लेकिन फिर भी आपने इनको अकॉर्डिंग टू द मैनुअल एंड योर यूजेज के इस्तेमाल के हिसाब से आपने इसको कंडीशन को गाड़ी को मद्दनज़र रखते हुए आपने इसको सर्विस वगैरह और इसकी जो है वो मेंटेनेंस आपने खुद ही ख्याल रखने। ये आपको मैं रेयर ब्रेक पैड भी इस वक्त चेक करके बता सकता हूँ खोल के, कि आप चेक कर लें ये जेन्युइन की क्वालिटी है, ये मटेरियल है। इसको भी आपने सेम इसी तरह ही, अच्छा इसमें ये पतरी है, इस पतरी तक आने से पहले आपने इसको चेंज करना है। अगर ये पतरी क्लिप तक या अगर लेदर नीचे आ गया और ये क्लिप अगर ड्रम को लग गया तो ये ड्रम को बिल्कुल तबाह कर देगा। तो इसलिए आपने इस तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है कि टाइमली इनको चेंज करना है। ये कुछ निशान होते हैं जेन्युइन के ब्रेक पैड के। वैसे तो चाइना में भी जो कॉपी आई हैं उनमें भी ये निशान वगैरह हैं, तो इसलिए आपने ऑथोराइज डीलर से ही रब्ता करने, ताकि किसी किस्म का भी आपसे धोखा या फ्रॉड वगैरह ना हो। तो ये मैंने आपको जी वीडियो भी आपको सारी चेक करके डब्बे को ओपन करके सारा बताया है, इसलिए कि जब भी आप किसी किस्म की परचेजिंग के लिए जाएं ब्रेक पैड के हवाले से, तो आपके जहन में बातें हों कि आपने किस तरीके से ये चेक करना है और कौन सा ब्रेक पैड इस्तेमाल करना है। तो चौधरी ऑटो जो है वो आपको हमेशा रिकमेंड ही करेगा कि आपने जेन्युइन ब्रेक पैड इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में हम आपको और भी मॉडल्स के हवाले से तमाम ब्रीफ देंगे कि किन और कौन सी गाड़ियों में कौन से ब्रेक पैड इस्तेमाल होते हैं। ये जो मैंने आपको अभी आज बताया ये टोयोटा करोला के लिए, और ये कुछ हमारी प्रीमियम गाड़ी में भी इस्तेमाल हो रहे हैं 2007 मॉडल से लेके 2012-13 तक यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा ये प्रीवियस हमारी गाड़ी जो आ रही है उसमें भी ये इस्तेमाल हो रहे हैं 2012 मॉडल में। इसके अलावा जो है ये आपकी एक्सियो गाड़ी आ जाती है, एक्सियो फील्डर या एक्सियो में जी ग्रेड होता है, उसमें भी ये यूज़ हो रहे हैं फ्रंट वाले ब्रेक पैड। तो ये काफ़ी गाड़ियों में ही सेम ब्रेक पैड टोयोटा में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, और आगे मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, ताकि मज़ीद आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें टाइम टू टाइम। तब तक की इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।